फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि आग गर्म होती है, पर हमारे दिमाग में अक्सर एक सवाल उठता है कि आखिर आग गर्म ही क्यों होती है, ये ठंडी क्यों नहीं होती, आग रोशनी क्यों और कैसे देती है। अपनी इस वीडियो में हम आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे कि आखिर आग गर्म ही क्यों होती है और आग हमें रोशनी कैसे देती है, यानी फायर हीट और लाइट को प्रोड्यूस कैसे करती है। फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू छाय स्टडीज सर्कल। फ्रेंड्स, फायर जो है वो फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच होने वाली एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। फ्रेंड्स, आग जलाने के लिए हमें तीन चीजें जरूर चाहिए। पहली, कोई जलने वाली चीज जैसे लकड़ी, कागज एक्सेट्रा। दूसरी, ऑक्सीजन गैस। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन गैस के बिना किसी भी चीज में आग नहीं लग सकती। और तीसरी, एनर्जी मीन्स हीट। फ्रेंड्स, आग जलाने के लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, हीट की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, किसी भी फ्यूल में तीन चीजें होती ही हैं, सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन। हर फ्यूल में इन तीनों में से कोई ना कोई एक एलिमेंट होता ही है, और यदि नहीं है तो फ्रेंड्स वो फ्यूल ही नहीं है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में यही तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं, इन शॉर्ट फायर प्रोड्यूस करते हैं। कंटिन्यूइंग दिस बर्निंग प्रोसेस, उस फ्यूल के काफी केमिकल बॉन्ड्स डैमेज होते हैं और ऑक्सीजन के साथ नए केमिकल बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं। इसी वजह से थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। केमिकल बॉन्ड्स के टूटने के कारण ही जो एनर्जी रिलीज होती है, और उसी रिलीज्ड एनर्जी के कारण ही लाइट और हीट भी प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण आग गर्म होती है और हमें रोशनी देती है। और हर फ्यूल जलने के बाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी वाटर में चेंज हो जाता है।